अस्सलाम वालेकुम, चुगताई चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए ट्राउज़र के नए नए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और पहले मैं आपको सारे ट्राउज़र बनाना बता चुकी हूँ। पैंट्स बनाई है, ट्यूब शलवार बनाई है, शलवार पे डिज़ाइन बनाया है और ट्राउज़र पे भी मैंने डिज़ाइन बनाया है। और आज मैं आपको एक नया डिज़ाइन सिखाऊँगी। आइए चलते हैं अपने डिज़ाइनर की तरफ। ये मैंने ट्राउज़र पर सिलाई चलाई है मोटे धागे से। ये भी आजकल बहुत डिज़ाइनिंग चल रही है, आप इसको किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। मैंने ये पैंट्स बनाई है, एक तरफ छोटा पाँचा है और दूसरी तरफ पीछे का बड़ा है। उस पर बीच में सिलाई पे मैंने ये जो बीच की सिलाई है उसके ऊपर मैंने ये पट्टे चलाया है। ये इसको किस तरह चलाते हैं ये मैं आज आपको सिखाऊँगी। मैंने सेटल में ये धागा भर लिया है, मोटा धागा। आप किसी भी कलर का ले सकती हैं, मैंने रेड लिया है। आपको जो कलर अच्छा लगे या आपकी जो डिज़ाइनिंग करनी है, ये मैंने एक ग्रीन भी एक भरा हुआ है और ये रेड भी। सेटल में नीचे हमें ये भरना है और इसको ये जो यहाँ स्क्रू एक छोटा सा लगा हुआ है, जो इसको हम लूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे ताकि ये हमारा जो धागा हमने मोटा भरा हुआ है इसमें आराम से आ सके। ये हमने धागा भर लिया है और ये इसमें हमने लगाया है स्क्रू ढीला करके थोड़ा सा ये, ताकि आराम से निकल सके। इसको अब हम लगा लेंगे नीचे। देखिए ये इस तरह ये इसकी सिलाई आएगी। ये देखिए मैंने सिंगल बखिया किया है अभी। ये देखिए कितनी सफाई से और खूबसूरती से इसको मैंने सिलाई लगाई है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। आप इसको डबल बखिया करें, तीन सिलाइयाँ करें, चार करें, जैसा आपके माइंड में डिज़ाइन बनता है उसी तरह से आप करें। मैंने ये एक इस पर चलाया है और ये दो भी इस पर चला है जी। और आप दूसरे कलर से भी इसको चला सकते हैं। ये मैंने ग्रीन एक सेटल भर के रखी है, इससे मैं आपको अब और डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने ग्रीन शेडेड धागा लिया था, ये उससे चलाया है। और अगर आपके पास मोटा धागा नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है इसमें। आपके पास ये सिंपल घर में रीलें होती हैं, ये आप तीन चार कलर की रीलें जो आपके कपड़ों में कलर हो, डिज़ाइन हो, उस कलर से मिला के आप ये घर में रखी हुई तीन चार रीलें ले करके इससे भी ये कर सकते हैं आप सिलाई में। इसी तरह की आस्तीनों में बनाएं, दामन में बनाएं, इसको पाँचों में बनाएं, ये धागे मिला के ये भी इसी तरह हम बिल्कुल भरेंगे। देखिए धागे से बना हुआ ये कितना खूबसूरत लग रहा है मल्टी शेड में। आपके कपड़ों में जो कलर हो उस कलर का आपकी धागा भर के और इसको बना सकते हैं। मैं इसमें आपको जिगजैग बना के भी दिखाती हूँ। ये हमने जिगजैग बनाया है इसी धागे से। आप किसी भी धागे में इसमें भी जिगजैग बना सकते हैं, ट्राउजर में ही बना सकते हैं, इसको स्लीव्स में बनाइए आप, गले में बनाइए आप, दामन में बनाइए, या ट्राउज़र के शलवार के पाँचे में भी बना सकते हैं डिज़ाइन। और मैं आज आपको एक नई चीज़ और बताऊंगी इसको और क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो गोटा होता है बारीक का, बिल्कुल बारीक गोटा आता है, इसको भी हम सेटल में भर के और इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने गले में, दामन में, आस्तीनों में और पाँचों में। मैं आपको इसकी भी कर इसी तरह आप बिल्कुल भरें इसको सेटल में और ये स्क्रू बिल्कुल लूज़ करके और इसी तरह से इसको ये देखिए चले। इस तरह हम इसकी जिगजैग भी बना सकते हैं और बिल्कुल सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं। आप इसको किसी भी डिज़ाइन में बनाएं, इसको ये गोल्डन ये भर के बनाएं, सिल्वर बनाएं,
इसको बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हमारे जो लॉन के कपड़े होते हैं इसको हम थोड़ा सा फैंसी करने के लिए, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए हम ये गोटे वाली सिलाइयाँ इस पर कर सकते हैं। हमारा गला बना हुआ होता है, तावीज़ बना हुआ होता है यहाँ पे, उसमें हम ये सिलाई चला के इसको फैंसी और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, ये गला है गोल और इसमें तावीज़ बनाएंगे हम यहाँ पे, और गोल गला है ये जो हमारे आम होता है लॉन के कपड़ों में, इसको हम थोड़ा सा फैंसी करने के लिए ये कर सकते हैं। बस उल्टा करके कपड़े को, ये हमारा सीधा है गला, इसको उल्टा करके हम रखेंगे और इस पर आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई चलाएंगे। यह आपने लॉन के कपड़ों को इस तरह फैंसी कर सकते हैं। ये मैंने गले पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है, बाकी आपकी जिस तरह का डिज़ाइन होगा उसी हिसाब से आप इसमें सिलाइयाँ करिए, आस्तीनों में करिए, ऐसी गोल्डन सिलाइयाँ बहुत खूबसूरत लगेगा ये, आप ये ट्राई करें ज़रूर। और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।